स्टूडेंट्स कल मैंने डेप्रिसिएशन का एक वीडियो अपलोड किया था जो कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको बोलते हैं उसी पे बेस्ड था ठीक है आज मैं आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का बता देती हूँ क्योंकि डेप्रिसिएशन के बाद में फाइनल अकाउंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करूंगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे कि मैम इसमें पी एंड एल ट्रेडिंग बैलेंस शीट बनाना बताइए तो मैं उसी की वीडियोज अब अपलोड करूँगी तो डेप्रिसिएशन का आज ये वाला देख लीजिए मैथड रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड क्वेश्चन है अल्पाइन ट्रेडर परचेज अ मशीन ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड फिफ्टीन 2015 फर्स्ट अप्रैल 2015 को ही थोड़ा ब्लर हो गया आपको दिख रहा होगा अभी अल्पाइन ट्रेडर परचेज डा मशीन ऑन फर्स्ट अप्रैल 2015 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ एट थाउजेंड एंड स्पेंट टू थाउजेंड रुपीज़ ऑन इट्स इंस्टॉलेशन अल्पाइन ट्रेडर ने जो एक मशीन खरीदी है वो फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड फिफ्टीन को खरीदी है कितनी कॉस्ट की एट थाउजेंड रुपीज़ की और उसको इंस्टॉल करने के मतलब इंस्टॉलेशन के क्या चार्जेज उसने पे किए हैं टू थाउजेंड रुपीज़ तो अगर कोई मशीन खरीद के ला रहे हैं बिजनेस के लिए तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ मशीन ही मशीन की रिक्वायरमेंट होगी वो चलने के लिए उसको डायरेक्ट आके खुद से चलने लगे उस, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा राइट तो इंस्टॉशन के चार्जेज या अदर चार्जेस एक्सपेंसिस जो भी हो रहे हैं वो भी मशीन की कॉस्ट ही है मशीन की जो वैल्यू है उसको वो बढ़ा रही है भाई कोई चीज़ आठ हज़ार की है बट उस पर अदर खर्चे भी तो हो रहे हैं ना तो ऐसा तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये मशीन आठ ही हज़ार की है अभी वो फिर टेन की पड़ेगी या जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वो सब उसमें ऐड हो जाएंगे तो टोटल कॉस्ट फिर वो कहलाएगी तो अल्पाइन ट्रेडर ने फर्स्ट अप्रैल 2015 को खरीदी है मशीन ठीक है और इसके टू थाउजेंड रुपीज़ के क्या दिए उसने इंस्टॉलेशन के चार्जेस पे किए अब फर्म ने डेप्रिसिएशन लगाया है इस पे 10 पर टेन परसेंट पर एन के हिसाब से और मेथड इसमें लगाया है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्वेश्चन में देख लीजिए इसकी स्क्रैप वैल्यू जो है प्लांट की वो कितनी रह गई है चार साल चलने के बाद देखिए लिखा है ना द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ इट्स इकनॉमिक लाइफ ऑफ फोर ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी सिक्स मतलब कि मशीन चार चली और चलने के बाद अब वो लास्ट में जो भी उसकी बची कुची वैल्यू रह गई तो वो कितनी रह गई सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी वन मतलब हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगा कमी आई हर, जब वो यूज हुई तो हर साल उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू घटती रही और घट गट घट के उसकी वैल्यू कितनी रह गई लास्ट में फोर्थ ईयर पर जाके सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी वन ठीक है तो शो द मशीन अकाउंट फॉर फोर ईयर्स इन द बुक्स ऑफ अल्पाइन अब हमें अल्पाइन ट्रेडर की बुक्स में जो है मशीन री अकाउंट बनाना है और ईयर uh, कौन सा लेना है हमें यहाँ पर लिखा नहीं है कि कैलेंडर ईयर तो थर्टी फर्स्ट मार्च एवरी ईयर तो फाइनेंशियल ईयर ही है क्योंकि थर्टी फर्स्ट मार्च पे वो क्लोज़ कर रहे हैं ठीक है थीके? नहीं तो कुछ क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है कैलेंडर ईयर को अज्यूम करके तो जहाँ पर वैसे लिखा है तो आपको फिर थर्टी फर्स्ट डिसम्बर के हिसाब से बनाना है ठीक है तो अब हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं देखो सबसे पहले हमें क्या करना है आपको शॉर्ट में लिख लेना है यहाँ पर कि फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल 2015 को कितने की मशीनरी खरीदी एट थाउजेंड रुपीज़ की और इस पे अदर एक्सपेंसेस कितने हुए या फिर इंस्टॉलेशन के चार्जेस टू थाउजेंड रुपीज़ ठीक है और इसकी जो है स्क्रैप वैल्यू कितनी रह गई सिक्स फाइव सिक्स वन और डेप्रिसिएशन कितना लगा टेन परसेंट पर एन से मेथड कौन सा है रिटर्न डाउन अब आपको क्वेश्चन या आप बुक बार बार देखने की नीड नहीं पड़ेगी आपके सामने ही पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ठीक है मशीनरी अकाउंट हमें फोर इयर्स का बनाना है फोर इयर्स का मशीनरी अकाउंट बनाना है तो आपको जब आपने मशीनरी परचेज की तो मशीनरी की एंट्री आपको मालूम है जैसे सारी एसेट्स खरीद के लाते हैं तो वो सारी एसेट्स आपकी डेबिट होती हैं प्लस और उसमें कैश से पेमेंट है तो कैश का नाम नहीं तो चेक से है तो बैंक का नाम ठीक है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट तो यहाँ पर लिख दो टू बैंक अकाउंट एट थाउजेंड और जो हमारे टू थाउजेंड के खर्चे हुए हैं वो भी टू बैंक अकाउंट टू थाउजेंड इसको एक साथ भी कर सकते थे अलग अलग भी कर सकते हैं बोथ आर करेक्ट एक्सपेंसिस ये टू थाउजेंड के हो गए हमारे डेट यहाँ पे डालेंगे बिना डेट के नहीं छोड़ेंगे क्वेश्चन को मार्क्स कट जाएंगे फर्स्ट अप्रैल है यहाँ पर फर्स्ट अप्रैल क्योंकि टू थाउजेंड फिफ्टीन में आपने परचेज़ की है तो इसी तरह से हम यहाँ मेंशन कर देंगे अब फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्सटीन थर्टी फर्स्ट मार्च को एंड हो रहा है ईयर तो टू थाउजेंड सिक्सटीन डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ठीक है टेन परसेंट लगाना है आपको और कितने पर लगाना है टेन थाउजेंड पर एट थाउजेंड की कॉस्ट ये है जितने में खरीदी और जितने खर्चे हुए वो टू थाउजेंड तो टोटल आपके कितने हो गए आपके हो गए टेन थाउजेंड तो टेन परसेंट कितना निकालेंगे टेन थाउजेंड का वन थाउजेंड रुपीज़ ठीक है बाकी फिर बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी बाय बैलेंस सी डी ये भी थर्टी फर्स्ट मार्च को आ गया अब यहाँ पर टोटल आपने लगाया टेन थाउजेंड ये भी टेन थाउजेंड और बैलेंस आ गया आपका नाइन थाउजेंड ठीक है देख लीजिए ध्यान से आप है नेक्स्ट इसको ये थर्टी फर्स्ट मार्च को जो बैलेंस था ये क्या है आपका सीडी अब यहाँ पर आप इसको बी कर देंगे सी को नेक्स्ट ईयर न्यू न्यू आपका जो इस ईयर स्टार्ट हुआ है फर्स्ट अप्रैल टू सिक्सटीन देखो टू थाउजेंड फिफ्टीन से सिक्सटीन तक ये हुआ अब ये एंड हो गया थर्टी फर्स्ट मार्च को तो मार्च के बाद फिर हमारा फर्स्ट अप्रैल आएगा तो टू थाउजेंड सिक्सटीन ही चल रहा है ना अभी तो टू बैलेंस बी डी नाइन थाउजेंड अब देखो यहां पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात हो रही है तो फर्स्ट ईयर में आपको सिंपल उसी तरह से निकाल देंगे जैसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड में निकालते हैं डेप्रिसिएशन टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड का टेन परसेंट तो ये आपका आ गया वन थाउजेंड ये तो फर्स्ट ईयर में तो सेम ही रहेगा लेकिन सेकेंड ईयर में अब आपको पता चलेगा कि रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड स्ट्रेट लाइन से कैसे डिफरेंट है बैलेंस आपका आ गया नाइन थाउजेंड का यहां पर आप लिख दो थर्टी फर्स्ट मार्च और यहां पर ईयर आएगा 2017 क्योंकि एंड हो रहा है थर्टी मार्च को 2017 के बाय डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है अब 10 परसेंट हम किसका निकालेंगे अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होती तो हम 10,000 का निकालते हैं, मतलब 8,000 थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड का निकालते तो 1,000 थाउजेंड ही आता लेकिन क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है मतलब कि बैलेंसिंग मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को हम बैलेंसिंग मेथड भी बोलते हैं तो क्योंकि वो बैलेंस पे लग रहा है तो ये जो बैलेंस आया था बाय बैलेंस सीडी जो आया था ये जिसको हमने यहाँ बी डी करा था ब्रॉड डाउन किया था इसका नाइन थाउजेंड का हमने टेन परसेंट निकाला है बैलेंस का निकालेंगे तो ये टेन परसेंट निकाल दिया तो कितना आएगा नाइन हंड्रेड ये नाइन हंड्रेड हमने कहाँ रख दिया डेप्रिसिएशन के सामने कितनी कमी आई देखो पहले मशीन कितने की कि थी दस हज़ार की थी इस पर वन थाउजेंड का आपका डेप्रिसिएशन लग गया मतलब कमी आ गई एक हजार रुपये की पूरे साल चलने के बाद अब ये वैल्यू रह गई नाइन थाउजेंड की मशीनरी रहेगी नाइन थाउजेंड की आप नाइन थाउजेंड पे भी नाइन हंड्रेड का डेप्रिसिएशन लग गया आप मशीनरी कितनी रहेगी बाय बैलेंस सी डी एट थाउजेंड वन हंड्रेड भाई नाइन थाउजेंड में से नाइन हंड्रेड माइनस करोगे तो कितना आएगा एट थाउजेंड वन हंड्रेड आएगा कब आएगा ये थर्टी फर्स्ट मार्च को मतलब कि फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो रहा है 2017 में अब हमारा आपका नेक्स्ट ईयर आता है फर्स्ट अप्रैल ईयर वही रहेगा 2017 ही बट फाइनेंशियल ईयर तो चेंज हो जाता है ना टू बैलेंस बी डी ये आ गया एटी यहाँ पर लिख देंगे थर्टी फर्स्ट मार्च वैसे ही और यहाँ टू थाउजेंड एटीन आपको बस अप्रैल से थर्टी फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल थर्टी फर्स्ट मार्च फर्स्ट अप्रैल थर्टी फर्स्ट मार्च ईयर आप देखते जाना भाई अप्रैल का अगर आपने फिफ्टीन लिया था तो मार्च आएगा अगले साल सिक्सटीन में अगर आपने फर्स्ट अप्रैल सिक्सटीन का लिया है तो मार्च आएगा अगले साल सेवनटीन में फिर आपने फर्स्ट अप्रैल सेवनटीन का लिया है तो मार्च आएगा अगले साल एटीन में तो पूरा पूरा साल हो जाएगा ना ट्वेल्व मंथ्स का तो फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा तो ये हो गया थर्टी फर्स्ट मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अब ये टेन परसेंट किसका निकलेगा एट्टी वन हंड्रेड का क्योंकि अब मशीन की वैल्यू रह गई इतनी बैलेंस क्या निकला था एटी वन हंड्रेड यही तो हम आगे लेकर गए थे यहाँ पर एटी वन हंड्रेड इसका टेन परसेंट निकाल देंगे एटी वन टेन परसेंट ऑन एटी वन हंड्रेड कितना होगा एट हंड्रेड टेन रुपीज़ एट हंड्रेड टेन आपका आ गया यहाँ डेप्रिसिएशन के सामने और बैलेंस निकाल दो अब इसको माइनस करके एट्टी वन हंड्रेड दोनों साइड लिखो एटी वन हंड्रेड एटी वन हंड्रेड और इसमें से एट हंड्रेड टेन मतलब आठ हज़ार सौ में से 810. आठ सौ दस रुपये माइनस कर दो क्योंकि इतनी कमी आ गई मशीन कितने की रह गई थी आठ हज़ार सौ की रहेगी ना इसमें से आपको एट थाउजेंड टेन रुपीज़ की जो कमी आ गई मशीन में वो वैल्यू कम हो गई वो उसको माइनस कर दो यहाँ पर और बैलेंस लिख दो टू बैलेंस सी डी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी अब आपके कितने हो गए थ्री ईयर्स हो गए ना हमें चार साल का बनाना है तो अब नेक्स्ट फिर से आ जाओ इधर टू बैलेंस बी डी पे टू बैलेंस बी डी अब क्या है ये फर्स्ट अप्रैल 2018 देखो यहाँ पे थर्टी फर्स्ट मार्च 2018 था फर्स्ट अप्रैल 2018 डेट आपको प्रॉपर लिख के आनी है क्योंकि अगर आप मशीनरी अकाउंट बना रहे हो वो भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो उसमें पर, उसका परफॉर्मा पूरा अच्छे से नहीं बना रहे हो तो मार्क्स तो फिर कटेंगे ठीक है सेवन टू नाइन ज़ीरो मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड नाइनटीन यहाँ पर फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एटीन है मार्च कब आया टू थाउजेंड नाइनटीन में थर्टी फर्स्ट मार्च अब डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन सेवन टू नाइन जीरो पर लगाएंगे सेवन टू नाइन ज़ीरो का टेन परसेंट यहाँ पर हमने ऊपर पहले हमने लगाया था एटी वन हंड्रेड पे टेन परसेंट मैं इसलिए लिख रही हूँ कैलकुलेशन बाद में फिर आप देख सकते हो और अब हमने लगाया है सेवन टू नाइन ज़ीरो पर तो सेवन ट्वेंटी नाइन ये यह यहाँ लिख देंगे सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन और बाय बैलेंस सी डी ये आपका आ जाएगा सिक्स फाइव सिक्स वन माइनस करके देख लेना क्योंकि टोटल में से ये जो है सेवन टू नाइन ज़ीरो सेवन टू नाइन जीरो जो भी ज़्यादा दो जिस साइड का भी टोटल ज़्यादा होता है उसी को दोनों साइड लिखते हैं और उसमें से कम वाले को माइनस कर देते हैं तो ये टोटल जो है ये यह यहाँ पे लिखा यहाँ पे लिखा दोनों साइड लिख के इस वाले को माइनस कर दिया तो ये आ गया ठीक है अब ये कहाँ से आया सिक्स फाइव सिक्स वन ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है ये स्क्रैप वैल्यू है ये बैलेंस हमें दिया हुआ है ना सिक्स फाइव सिक्स वन आपका आंसर भी टैली हो गया देखो ये जो है ना सेवन टू नाइन जीरो बैलेंस निकल निकल के आया उसके बाद हम टेन परसेंट हर बार उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जा रहे हैं ठीक है लेकिन क्वेश्चन में हमें स्क्रैप वैल्यू दी हुई है स्क्रैप वैल्यू मतलब लास्ट में जो पूरी वैल्यू घटने के बाद जो मशीन की वैल्यू रह गई है पूरे डेप्रिसिएशन लग लग के हर साल तो इतना इतने कुछ वैल्यू की मशीन अब रह गई सिक्स फाइव सिक्स वन की तो वही आपका बैलेंस है मतलब मशीन में हर साल डेप्रिसिएशन लगा पहले साल वन थाउजेंड की कमी आई दूसरे साल नाइन हंड्रेड की कमी आई तीसरे साल में कितने की आई एट हंड्रेड टेन की आई फिर आई सेवन ट्वेंटी नाइन की तो चार साल में इतना वैल्यू कम हो गई और टेन थाउजेंड की मशीन कितने की रह गई सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी वन की अब देखो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आपने किस पे लगाई थी वैल्यू पे कौन सी वैल्यू पे लगाई थी आपने बैलेंस पे लगाया था जो ये फर्स्ट ईयर में एट थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड टेन थाउजेंड था टेन थाउजेंड का आपने क्या निकाला टेन परसेंट निकाला तो वन थाउजेंड आया फर्स्ट ईयर में तो स्ट्रेट लाइन हो या रिटर्न डाउन वैल्यू हो सेम ही निकलेगा लेकिन सेकेंड ईयर में जैसे ही बैलेंस निकल गया मान लीजिए फर्स्ट ईयर में बैलेंस ये आया नाइन थाउजेंड कैसे आया ये नाइन थाउजेंड आपने ये टेन थाउजेंड इधर लिखा और इधर भी लिखा और टेन थाउजेंड में से वन थाउजेंड माइनस करा तो नाइन थाउजेंड आ गया ये हमारा बैलेंस है अभी इसी बैलेंस पर आपने टेन परसेंट निकाला वो डेप्रिसिएशन हुआ वो इस पे निकला ये बैलेंस है इस बैलेंस पे टेन परसेंट निकला तो नाइन हंड्रेड आ गया ये डेप्रिसिएशन इसके टोटल में से माइनस कर दो दोनों तरफ नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड लिखेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन तो नाइन हंड्रेड है नाइन थाउजेंड ज़्यादा है नाइन हंड्रेड से नाइन थाउजेंड क्योंकि जिस साइड का भी टोटल ज़्यादा होता है बैलेंस उधर ही निकलता है तो यहाँ पर आपने देखा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है नाइन थाउजेंड इधर भी लिख देंगे नाइन थाउजेंड इधर भी और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे अब डेप्रिसिएशन माइनस किया नाइन हंड्रेड का यहाँ पे ये रहा सेकेंड ईयर का नाइन हंड्रेड माइनस किया और एट्टी वन हंड्रेड आ गया फिर ये एटी वन हंड्रेड को आप जब इधर लेकर आए टू थाउजेंड सेवेंटीन में तो फिर अगेन आपने इसी बैलेंस पे लगाया एटी वन हंड्रेड पर टेन परसेंट लगाया तो आपका डेप्रिसिएशन आया एट हंड्रेड टेन रुपीज़ और आपने एटी वन हंड्रेड को यहाँ पर भी लिख दिया और यहाँ पर भी लिख दिया दोनों साइड डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी और उसमें से डेप्रिसिएशन वाला माइनस करके आपको बैलेंस निकल के आ गया सेवन टू नाइन जीरो ठीक है सेवन टू नाइन जीरो आपका फिर से बैलेंस बन गया नेक्स्ट ईयर के लिए आप सेवन टू नाइन जीरो पर डेप्रिसिएशन निकाल देंगे बाय डेप्रिसिएशन करके टेन परसेंट वो आ गया और बैलेंस आपका आ गया सिक्स फाइव सिक्स वन जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपकी क्या है स्क्रैप वैल्यू है तो इस तरीके से क्या होता है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड अप्लाई होता है और भी क्वेश्चन है इसके आप करके देखिएगा आपका डी के गोयल से भी कर सकते हो या और भी बहुत सारी बुक्स हैं किसी भी बुक से आप ट्राई कर सकते हो ठीक है तो नहीं आ है तो फिर आप मुझे मैसेज कर दो मेरे पास मैसेज और भी आए हैं दूसरे चैप्टर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वो बनाऊंगी नेक्स्ट ठीक है तो दोनों मेथड कंप्लीट हो गए स्ट्रेट लाइन भी और रिटर्न डाउन वैल्यू भी और भी किसी भी मेथड में या इसी इन्हीं मेथड में कोई डाउट होगा तो फिर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं इसकी मैंने आई थिंक पहले भी वैल्यू जो स्क्रैप वैल्यू निकालना कैसे निकालना है वो सब मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है वो भी आप देख सकते हो मैं इसके साथ इसको अटैच कर दूँगी लिंक लिंक अप कर दूँगी ठीक है तो स्टूडेंट्स वॉच करा करो फुल और जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको प्रेस करके रखा करो क्योंकि कभी कभी यूट्यूब भी नहीं भेजता है इसकी नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स के पास या सब्सक्राइबर्स के पास तो आपको खुद से भी सर्च करके देखना होता है कि मतलब क्या नया अपलोड हुआ है ठीक है तो बाकी आप उसको कंटिन्यू कॉन्टैक्ट में रहिए इसमें टच में रहिए वीडियोज़ के और देखते रहिए अब तो एग्जाम आपके करीब है मार्च में तो पढ़िए आप अच्छे से और फुल वीडियो देखिए बीच बीच में से स्किप करके देखेंगे तो कंसेप्ट निकल जाता है फिर बीच में से समझ में भी नहीं आता कि पीछे क्या बोला गया है आप तो आगे का देख रहे हो पीछे से कुछ और निकल गया बीच में से तो स्किप करके देखने में यही